कृष्णा माता जी, आपको अनम्यूट किया है। जय राधा माधव के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जने वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राध माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। अब जो भक्त मंगलाचरण करना चाहेंगे प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस अनीता माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण। ओम अज्ञान्ति निरंधस्य ज्ञानंजन सलाकया चक्षुर न मिलेताये तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदमयं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साध्वेतं साधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशे तारिणे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। पंचतत्वात्मक कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुस्तुत्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, निष्भानुसुते देवी प्रमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी कृपा जी के साथ हम एक माला का जप करेंगे।
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवविंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। सब भक्तों का पुनः स्वागत है। तो महाराज जी के लेक्चर से आपने जो सीखा है आप प्लीज एंड्रेस कर सकते हैं। हम तीन चार पॉइंट लेते हैं शेयरिंग के लिए। जी प्रतिभा माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज हम यही महाराज जी से सीखे हैं कि भगवान कहते हैं जो माया बहुत ही प्रबल है और माया को लांघना बहुत कठिन बात है, और जो भगवान, क्योंकि भगवान के बस में माया है, तो भगवान का जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से माया नहीं निकलेगा, और भगवान के भक्त हम बन जाएंगे तो धीरे धीरे माया को हम बस में कर सकते हैं। इसलिए हरि कीर्तन करना जरूरी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रिंसी माता आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज मैंने महाराज जी से जैसे सत चित और आनंद, सत वो खत्म नहीं होता है, चित फुल नॉलेज,
मतलब सत चित और आनंद का है, सत गुरु महाराज ने बोला है शाश्वत, वो खत्म नहीं होता है, और चित फुल ऑफ नॉलेज और आनंद, इन तीनों का ही स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। मोनिका माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी महाराज जी के लेक्चर से मैंने ये सीखा आज कि अगर कोई अपने वस्त्र बदलता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि क्या उसकी शुद्धि हो गई, उसका मन जो है वो शुद्ध हो गया। शुद्ध तब बनता है इंसान, मनुष्य तब बनता है शुद्ध जब तक उसका मन जो है उसमें पवित्रता नहीं लाएंगे, और कृष्ण नाम के जो जाप से ही वो पूर्ण हो सकता है, उसके अलावा वो पूर्ण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामरीत प्रभु आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी महाराज से आज मैंने सीखा है कि शंकराचार्य माने तक लोग के लोग भगवान का रूप को निराकार मानते हैं, मगर भगवान साकार हैं, तो निराकार भी हैं और साकार भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीपिका नवीनता माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज प्रभु जी हमने सीखा है कि भक्ति के नियमों का गंभीरता से अगर हम पालन करेंगे तभी हम एक शुद्ध वैष्णव भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पर धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही पॉइंट शेयरिंग लेंगे। जैसे मैंने कल आपको ग्रुप एक मैसेज डाला था रिगार्डिंग आईडीसी कोर्स, तो जिन जिन भक्तों का आईडीसी कोर्स अभी तक हुआ नहीं है तो मैंने उनको बोला है कि आप अपना नाम, एज, जेंडर, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिटी, आप कहाँ से हैं, आप वो प्लीज मेरे को पर्सनली आप मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का नाम प्रभु जी को फॉरवर्ड करूंगा, एक लिस्ट बनेगा कितने भक्तों करना चाहते हैं। प्रभु जी मोस्टली अप्रैल एंड पे या मई के स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे आईडीसी कोर्स कराने का, पूरा व्यवस्था उसका हो जाएगा। और दूसरा मेरे को पूजे लिस्ट सौंप दिया है अभी कि किन किन भक्तों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, कुछ भक्तों के अभी तक डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, मैं आज शाम तक आपको लिस्ट भेजूंगा किसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और एक दूसरी लिस्ट आएगी किस भक्त के कौन से डॉक्यूमेंट बाकी है। तो सबसे रिक्वेस्ट आज 12 तारीख है, 15 तक सारे डॉक्यूमेंट्स गुरु जी के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर 15 तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। आईडीसी कोर्स छोड़ के आपके सब डॉक्यूमेंट्स गुरु जी को 15 तारीख तक पहुंचने चाहिए, ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी काले कृष्ण हमको ज्वाइन कर चुके हैं, गुरु जी नाउ यू कैन लीड फ्रॉम हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के सेशन के अंदर, और जैसे प्रभु जी से डिस्कशन हुआ था, प्रभु जी ने आज्ञा दी थी कि आज शिवरात्रि है, वैष्णव कैलेंडर में आज शिवरात्रि मनाते हैं, और कई सारी जगहों पे कल शिवरात्रि मनाई गई थी, तो जो शिव तत्व है उसके विषय में थोड़ा बहुत चर्चा की जाए। तो इसीलिए प्रभु जी ने ये आदेश दिया था कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जो शिव जी के संबंध में अनेक मत है, और शिव जी के कार्यकलाप भी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, और उनके जीवन से कई सारे ऐसे विरोधाभासी जो लीलाएं हैं वो प्रकट करते हैं, तो इसके कारण से उनको समझ पाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और हमारे वैष्णव समाज में विशेष रूप से कई सारे लोगों में ऐसी मान्यता रहती है कि हमें शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए, या शिव जी के बारे में ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है। कई बार बाहर के जो भक्त, बाहर के जो दूसरे संप्रदाय है, वो ऐसा क्लेम करते हैं कि इस्कॉन में शिव जी को नहीं माना जाता है और उनको निग्लेक्ट किया जाता है, और ऐसी कई सारी भ्रांत धारणाएं मौजूद हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सत्य नहीं है। जैसे शिव जी का जो नाम है शिव, शिव का जो मतलब है कि सर्व मंगलकारी, तो वो हमेशा ही सभी चीजों का मतलब सभी लोगों का मंगल ही चाहते हैं शंकर भगवान। तो ये उनका एक विशेष अनुग्रह है कि वो सभी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, और अपनी जो दया कृपा है वो हम सब भक्तों के ऊपर प्रेरित करते हैं। अब शिव जी के जो कार्यकलाप है उसमें कई सारे विरोधाभास बताए गए हैं, जिसमें बताते हैं कि शिव जी प्राय अवधूत वेश में रहते हैं, वैरागी वेश में, वो अपने शरीर के ऊपर जो ये चिता की भस्म लगाते हैं, और अपने गले में सांप को लपेटते हैं, और बाजूबंद में भी सांप को लपेटते, बिच्छू को लपेटते हैं, और इस तरह से वो श्रृंगार करते हैं, और श्मशान जैसे अपवित्र स्थानों में वो रहते हैं।
लेकिन सामने दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि जो शिव जी के चरणों की जो रज है वो ब्रह्मा आदि देवता लोग अपने अपने मस्तक पे धारण करने के लिए लालायित रहते हैं, उनकी इतनी महिमा है। तो ये शिव जी का जो विरोधाभासी गुण है कि एक तरफ वो इस तरह से रहते हैं और सामने उनकी इतनी महानता भी है कि जो ब्रह्मा जैसे जो देवतागण है वो उनकी रज को धारण करने के लिए सदा ही वो रहते हैं। दूसरे प्रसंग में आता है कि शिव जी जब जो कामदेव थे उनके द्वारा जब उनको प्रयास किया गया अपनी समाधि से भंग करने के लिए और कामाशक्त बनाने के लिए जब उनको प्रयास किया गया तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जो कि है भस्मीभूत कर दिया था, जला दिया था। वही शिव जी एक और लीला में आते हैं कि जो विष्णु भगवान का जो रूप है मोहिनी मूर्ति उनके पीछे कामाशक्त होके भागते हैं और सभी संसार के जीव देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी देवतागण देख रहे हैं, फिर भी शिव जी वो मोहिनी रूप के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करके जो कामदेव था उसको भस्म कर दिया था काम के ऊपर विजय प्राप्त करते, लेकिन वही शिव जी कोई और लीला में ऐसा भी बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कामस्थ हैं और मोहिनी रूप से वो अट्रैक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे जो विरोधाभास हैं, जैसे रामलीला में देखा जाता है कि जो सीता जी का अपहरण करने वाले जो रावण है उस रावण को वरदान शिव जी के द्वारा दिया गया है और चंद्रहास खड़ग भी दिया गया है और कई सारी शक्तियां उनको दी गई है शिव जी के द्वारा रावण को, और वही शिव जी रावण को ऐसे वरदान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं जिन्होंने सीता माता का अपहरण किया है, और वही शिव जी अपने 11वें रुद्र के अंश के रूप में हनुमान जी बन के राम जी की सेवा कर रहे हैं और रावण से लड़ रहे हैं और राम जी की सहायता कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं। प्राय शिव जी को बताया जाता है कि वो भूत पिशाचों की सभा में रहते हैं और वो अपने गणों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन वही शिव जी जब एकांत में बैठते हैं तो भगवान कृष्ण का निरंतर जप कीर्तन करते रहते हैं। तो और कई सारे जो वैष्णवगण हैं वो शिव जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उनसे कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। शिव जी प्राय अपने धाम में कैलाश में बैठ के भागवत कथा करते हैं। हमें भागवत प्रसंग में समझ में आता है कि किस तरह से उन्होंने पार्वती माता को भागवत कथा सुनाई है, जो अमल पुराण है, मल रहित पुराण है, और जो सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तो ऐसा दिव्य भागवत कथा भी उन्होंने सुनाई थी। तो इसी तरह से शिव जी का बहुत ही ज्यादा महिमा है, लेकिन उनके तत्व को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमने पीछे चर्चा की थी कि जैसे भगवान कृष्ण से जो उनका एक स्वयं रूप प्रकट होता है बलराम जी के रूप में, वो बलराम जी गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण की सहायता करते हैं उनकी लीलाओं में, उनके सेवक के रूप में स्वयं कृष्ण ही है अपना एक विस्तार करते हैं और सेवक मूड में वो कृष्ण की ही सेवा करते हैं। जब कृष्ण मथुरा और द्वारिका आदि लीलाओं में प्रविष्ट होते हैं वासुदेव के नाम से, तब बलराम जी मूल शंकरशन के रूप में उनको सहायता करने के लिए उन धामों में जाते हैं। फिर भगवान जब कृष्ण अपने आप का विस्तार करके जब वैकुंठ आदि स्थानों पे नारायण के रूप में जाते हैं, तो वही बलराम जी महाशंकरशन के रूप में उन वैकुंठों में प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण की लीला सहायता करने के लिए। तो जब वैकुंठ में से जब जो महाविष्णु है, वो महाविष्णु जब इस भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करना चाहते हैं, ये जो ब्रह्मांड हम जी रहे हैं अभी, उस ब्रह्मांड का जब निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हीं से ही एक स्वरूप प्रकट होता है जिसको सदाशिव बताया जाता है। और ब्रह्म संहिता में इसकी उपमा इस तरह से दी गई है कि जो भगवान कृष्ण है वो दूध के समान है और जब उसमें कुछ मेरवन आदि मिलाया जाता है तो वो जो दही में परिणित होते हैं और एक विशेष प्रकार का जो गुण धारण करते हैं, और जो दही परिणित होकर जो दही बना हुआ है उन्हीं को ही सदाशिव बताया जाता है। तो जैसे एक भगवत तत्व है और भगवान से ही उद्भूत एक शिव तत्व है जिसको सदाशिव बोलते हैं, एक जीव तत्व है जिसके अंदर हम आते हैं, इवन ब्रह्मा जी भी आते हैं जीव तत्व के अंदर, और एक माया तत्व है जो प्रकृति है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि सदाशिव जो रूप भगवान ने बनाया या जो प्रकट किया अपना जो अंश, तो उसकी क्या जरूरत थी। तो बताते हैं कि ये जो माया शक्ति है वो ये जो भौतिक प्रकृति है वो दुर्गा माता को रिप्रेजेंट करती है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जब भौतिक प्रकृति में भगवान अपनी
दृष्टि से जब दृष्टिपात करते हैं तो सब सारे जीव उसमें इनकॉर्पोरेशन, हम सब जीव उसमें प्रविष्ट होते हैं इस भौतिक प्रकृति में। तो माया शक्ति जिनको दुर्गा शक्ति भी बताते हैं वो शिव जी की अर्धांगिनी है। तो इसलिए फिर जो भगवान कृष्ण है वो सदाशिव का रूप धारण करके उन्हीं के माध्यम से हम सब जीवों को माया में, माया शक्ति में या भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट कराते हैं। हमारा गर्भधान होता है, मतलब प्रकृति की गोद में हम गर्भ में हमारा प्रवेश होता है। तो यही एक विशेष कारण है कि जिसके लिए सदाशिव जी जिनका अलग लोक भी है। जैसे हम लास्ट टाइम जब प्रभु जी ने हम सब चर्चा कर रहे थे तो जो प्लैनेटरी सिस्टम बताया था, जिसका एक चार्ट भेजा था, उसमें देखते हैं कि जब भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के बीच में जो समुद्र है, उस समुद्र के नीचे का हिस्सा जो है जो भौतिक जगत बताता है, और जैसे ही जो रेखा खत्म होती है उसके बाद पहले ब्रह्म ज्योति आती है, और ब्रह्म ज्योति के तुरंत ऊपर शिव जी का लोक है कैलाश धाम, और फिर उसके बाद वैकुंठ आदि लोकों का प्रारंभ होता है। तो एक तरह से कहा जाता है कि शिव जी हम आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार के बीच में निवास करते हैं, और उनका एक विशिष्ट धाम भी है कैलाश धाम, जहाँ पे वो नित्य प्रतिनित्य विराजमान रहते हैं और वो उनको सदाशिव बोला जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब वेदव्यास जी ने कई सारे ग्रंथ, कई सारे शास्त्रों की रचना की, पहले उन्होंने वेदों का व्यास किया और वेदों को चार में विभाजित किया, और फिर बाद में पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। तो इसमें व्यास देव जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं उसमें जो 6 पुराण हैं वो जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, और उसमें प्रायः भगवान शिव का वर्णन है और शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि वही परम भगवान है। उसी तरह से फिर बाद में 6 पुराण हैं जो रजोगुण प्रधान पुराण बताए जाते हैं, और उस रजोगुण पुराण प्रधान पुराण में ब्रह्मा जी का महत्व बताया गया है, और फिर 6 पुराण जो सतोगुणी पुराण, जो सतोगुण प्रधान पुराण बताए गए हैं जिसमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है। और फिर बाद में जब इतना सब कुछ रचने के बाद भी जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उनके गुरु के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो इससे पहले कई सारे पुराणों की रचना हो चुकी थी। तो ये जो पुराणों की जो रचना है वो हम सब जो जीव हैं, हमारी कई तरह की हमारी चेतना है, हर व्यक्ति का चेतना का स्तर अलग अलग है, तो सभी प्रकार के जीवों के जो चेतना के स्तर हैं, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, तो और सब हम वर्ण और आश्रम के हिसाब से भी अलग है कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, और शूद्रों से भी अधम जिसको बोलाता है, अंत्यज बोलते हैं जिसको, नरों में भी अधम, नराधम। तो इस तरह से जो इस भौतिक संसार में जीव जी रहे हैं उन सभी प्रकार के जीवों का उद्धार करने के लिए वेदव्यास जी ने अलग अलग पुराणों की रचना की। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने जब शिव पुराण की रचना की तो उन्होंने उसमें शिव जी को सर्वश्रेष्ठ बताया कि वही परम भगवान है, वही वही कंट्रोलर है, वही सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता में वो ये उन लोगों के लिए था जो लोग जिनकी चेतना उतना ही समझने के लिए काफी थी। फिर बाद में जब इतने सारे भ्रांत धारणा हुई, देवी पुराण में देवी को महान बताया गया, और ब्रह्मा जी के पुराण में ब्रह्मा जी को महान बताया गया, शिव पुराण में शिव जी को महान बताया गया, तो नाना प्रकार के पुराणों में अलग अलग देवताओं के गुण गाए गए। तो जो जो जिसकी जो जो चेतना थी उसी के हिसाब से हर व्यक्ति ने उस पुराण को ग्रहण किया और उस पुराण को अपने जीवन में पढ़ के उन्होंने उन देवी देवताओं की भजन किए। लेकिन जब इतना सारा कन्फ्यूजन हो गया तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आखिर में वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं जो कि पूरे सभी शास्त्रों का सार है, और उसमें वो बताते हैं कि परम भगवान कौन है और किस तरह से बाकी जितने भी जो अंश हैं देवी देवता गण हैं वो उन्हीं भगवान के ही अंश है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु स्वयं भगवान, इसमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी जो अंश है उनका उनके जो स्रोत है उन्हीं से ही सारे देवतागण, सारे अंश, सारे जितने भी अवतार हैं सभी कुछ प्रकट होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई नोट्स लिख रहा है, तो अगर उस नोट्स में उसने सब कुछ लिखा है कि ये आपके बारे में लिखा है कि भाई आपका स्वभाव ऐसा है, आपका गुण ऐसा है, आपने ये कमाई है, ये कमी है, ये सब कुछ है, लेकिन आखिर में वो व्यक्ति लास्ट में लिख दे कंक्लूजन के नोट पे कि ऊपर मेरे द्वारा लिखे गया सभी जो है ना वो एक मजाक है, वो सत्य नहीं, तो फिर अगर कोई व्यक्ति उस नोट्स को पढ़ता है और उसको कि आगे की लाइन को पढ़ता है और सोचता है कि देखो इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला है, लेकिन अगर वो लास्ट कंक्लूजन में नहीं पढ़ेगा तो उसको कभी भी उस चीज समझ में नहीं आएगी कि ये तो एक मजाक था या ऐसे ही
जस्ट टाइम पास करने के लिए लिखते थे या मतलब एक अलग संदर्भ में लिखा था। तो जैसे ही व्यक्ति लास्ट लाइन देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उस सारी नोट्स का जो सार है वो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये वास्तविकता में सब कुछ सत्य नहीं है। तो उसी हिसाब से जब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा तो उसमें उन्होंने सारी बातों को क्लियर कर दिया। हमारी सृष्टि का जो प्राकट्य है, कैसे कैसे भगवान कृष्ण से अवतार प्रकट होते हैं और किस तरह से अलग अलग लोक है, कौन सा लोक सर्वश्रेष्ठ है और आध्यात्मिक लोक क्या है, भौतिक लोक क्या है, भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कारणोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु, और किस तरह से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद किस तरह से 14 लोक प्रकट होते हैं, और 14 लोक प्रकट होने के बाद फिर ब्रह्मा जी को जब ज्ञान कराया जाता है, फिर सारे जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि में आते हैं, और इस तरह से उन्होंने सब कुछ क्लियर श्रीमद् भागवतम में जो है वो उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से सभी का स्रोत है वो भगवान है। तो इस तरह से हम देखें तो जो वास्तविकता में देखा जाए तो शिवजी जो है वो भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। जिस तरह से दूध में से दही बनता है तो जो भगवान कृष्ण है वो दूध है और जो शिवजी है वो दही है। उसमें एक विशेष गुण मिलने के बाद उनका ये फॉर्म प्रदर्शित होता है। लेकिन आप जैसे हम सब जानते हैं कि दही कभी भी दूध नहीं बन सकता, तो उसी तरह से जो भगवान शिव का जो मूड है, सदा शिव का जो मूड है, वो हमेशा ही भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में वो रहते हैं और निरंतर उनकी लीला कथाओं का चिंतन करते रहते हैं और इस तरह से वो संसार के जीवों को बताते हैं। लेकिन जो तथाकथित संसार में जो शिव भक्त हैं उन्होंने मात्र और मात्र शिव पुराण पढ़ा है, तो इसलिए वो शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि देखो शिव जी का कोई जन्म नहीं है, वो आदि है, अनादि है और अजन्मा है और उनकी कभी मृत्यु भी नहीं हुई, कभी ऐसी लीला लिखी जिसमें शिव जी जैसे कृष्ण तो आते हैं, प्रकट होते हैं बच्चे के रूप में और फिर लीलाएं करते हैं और फिर चले भी जाते हैं, वो एक पार्थी के द्वारा उनका वध होता है और चले भी जाते हैं। और बोले शिव जी के बारे में ऐसा नहीं है, शिव जी तो परम भगवान है, इसीलिए ना उनकी उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। तो इस तरह से कई सारे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम जब जानते हैं कि शिव जी को विशेष रूप से प्रकृति को गर्भधान कराने के लिए सदाशिव का जो रूप भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट हुआ, उसी रूप के माध्यम से हम सब जीवों का गर्भधान हुआ है और इस प्रकृति में हम सब जीव यहाँ पे प्रकट हुए हैं नाना प्रकार की योनियों में। और सदाशिव जी जो है कैलाश धाम में नित्य विराजमान रहते हैं और उनको उनका जो भजन करते हैं वो उनके धाम में जाते हैं और फिर उनके धाम में उनसे ही ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति शिव जी का भजन करता है तो शिव जी की वास्तविक कृपा अगर उनके ऊपर होती है तो वो कृष्ण से जीव का मिलन करा देते हैं। तो ये शिव जी की विशेष कृपा है सभी भक्तों के ऊपर। और ये वास्तविकता में है कि शिव जी हमेशा ये चाहते हैं कि भक्त जो है वो भगवान कृष्ण से मिले और उनका भजन करे। जो हमारे भागवत में कई सारी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भी हम देखते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णित जो समुद्र मंथन लीला है, अब समुद्र मंथन की जो लीला है उसमें देवतागण और दानवगण ने जॉइंट वेंचर चलाया था और उसमें उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया और मंथन शुरू किया तुरंत ही उनको सबसे, जैसे कोई जॉइंट वेंचर चलाता है, बिजनेस करता है और सबसे पहले ही साल में जब बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, उसी तरह उनको भी नुकसान प्राप्त हुआ और समुद्र से हलहल विष निकला और उसके तप्त से सारे जो जीव हैं, सारा संसार जो जलने लगा, तब वो सब भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने बताया कि भाई इसका जो निष्ठार है वो तो शिवजी ही करेंगे। तो सभी देवतागण शिवजी के पास गए और उनसे विनती की, तो शिवजी ने उस विष को, उस कॉन्सेंट्रेटेड विष को ग्रहण करके अपने उन्होंने निगल लिया और अपने गले में स्थित कर दिया। और कई आचार्यों का ऐसा मत है कि भाई शिवजी ने विष को पूरे पूरा क्यों निकला, शिव कंठ तक ही क्यों धारण किया। तो बताते हैं कि शिवजी के हृदय में नित्य कृष्ण विराजमान रहते हैं, तो शिवजी ने ऐसा सोचा कि मैं इस विष को अगर पूरी तरह अपने अंदर ले लूंगा तो अंदर जाके वो कृष्ण को परेशान करेगा, भगवान कृष्ण उससे दुखी होंगे। तो इसीलिए फिर शिवजी ने उस विष को अपने कंठ तक ही धारण करके रखा हुआ है और उनका नीलकंठ नाम हो गया। और कई वैष्णवगण ऐसा भी बताते हैं कि शिवजी का नाम नीलकंठ है क्योंकि हमेशा ही उनके गले में वो नील कलर के, मतलब जो भगवान कृष्ण का वर्ण है
उसी कलर के वो मतलब उसी नाम का वो चिंतन करते रहते हैं हृदय के अंदर, तो इसी कारण से उनका जो कंठ है वो भगवान कृष्ण के कलर जैसा हो गया है, तो इसलिए उनको नीलकंठ भी बताते हैं। तो इस तरह से कई सारी लीलाओं में भगवान शिव जी ने बताया है कि किस तरह से वो भगवान कृष्ण के सेवक है और उनका जो मनोविष्ट है वो हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करने में रहता है। राम जी की लीला में हम देखते हैं कि जब राम भगवान लंका को लंका जाना चाहते थे समुद्र को लांघ के, तो उन्होंने वहां पे शिव जी की उपासना की थी। तो कई सारे जो शिव जी के भक्त हैं वो बताते हैं कि देखो आपके राम जी ने, आपके विष्णु के अवतार ने हमारे शिव जी की उपासना की है और वहां पे जो शिवलिंग है उनको रामेश्वर नाम दिया गया है कि ये राम के द्वारा उपासित है, इसीलिए वो रामेश्वर राम के ईश्वर है, ऐसा जब उन्होंने बताया सभी जीवों ने, तो फिर देवतागण प्रकट हो गए। तो देवतागण ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, शिव जी भी भगवान है, राम भी भगवान है, तो राम और शिव जी दोनों अपने एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, इसलिए रामेश्वर नाम दिया गया है। लेकिन फिर उसी समय शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि रामेश्वर नाम ये है कि राम जिनके ईश्वर है वो मैं हूँ शिव जी, इसलिए रामेश्वर। तो इस तरह से कई सारी लीलाओं में देखा जाता है कि शिव जी अपने आप को प्रकट करते हैं भगवान कृष्ण के दास के रूप में उनकी सेवा करने के लिए। और जहां जहां भगवान इस धरातल पर आए हैं जभी भी, और जितने भी धाम यहाँ पे प्रकट हुए हैं, चाहे वो वृंदावन ब्रज वृंदावन धाम हो और चाहे वो नवदीप मंडल धाम हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी धाम हो, तो सभी धामों में शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में है और गोवर्धन में मानसी गंगा पे भी चक्लेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और नंदीग्राम में आशेश्वर महादेव हैं और जितने भी धाम हैं वहां पे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक चौकीदार के रूप में वहां पे जाके विराजमान हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में एंट्री से पहले लिंगेश्वर महादेव के रूप में शिव जी वहां पे विराजमान है। इवन जगन्नाथपुरी में भी कई सारे शिव जी के मंदिर हैं जहाँ पे शिव जी विराजमान है और मायापुर में भी जाते हैं तो हरहर क्षेत्र में शिव जी विराजमान है। और इस तरह से भगवान की जितनी लीला कथाएं हैं सभी कथाओं में शिव जी सम्मिलित होते हैं और प्राय उनका जो मूड रहता है वो यही है कि वो भगवान कृष्ण की लीला कथाओं में उनका सहायक बने और उनकी लीलाओं का आस्वादन करें। तो इस तरह से जो शिव तत्व है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और हमें ये समझना चाहिए हमारे संप्रदाय में वैष्णव नाम यथा शंभु इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तविकता में उनका जो मूड है वो भक्त का मूड है। तो इसलिए भक्तों को वैष्णव बताया जाता है और उन वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है शंकर भगवान। तो जब भी हम शंकर भगवान के मंदिर या कहीं ऐसा कोई प्रसंग आता है तो हमें निश्चित रूप से वहां पे शिव मंदिर में जाके उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर भगवान, जिस मनोविष्ट को आप धारण करके अपने हृदय में जिनका मनन चिंतन करते हैं आप और जिनका जब आप करते हैं उन्हीं भगवान कृष्ण की भक्ति हमें प्रदान करें। तो ये एक मूड है भगवान शंकर को भजने का और उनसे जो वर प्राप्त करना चाहें। भौतिक संसार में देखा जाता है कि जो तथाकथित भौतिकतावादी लोग हैं वो प्रायः शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनको आशुतोष भी बताया गया है, तो इसी कारण से वो बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी को मनोवांछित वर भी प्रदान कर देते हैं। कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें उन्होंने जो असुर लोग हैं उनको बहुत सारे वरदान दिए हुए हैं और भौतिक संसार में भी लोगों को देते रहते हैं। तो प्राय बताया जाता है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो इस भौतिक संसार में बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली होते हैं। क्यों? वो शिव जी से ऐश्वर्य मांगते हैं और शिव जी उनको सहजता से प्रदान भी कर देते हैं और वो यहाँ पे ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं भगवान को भूल के, शिव जी को भी भूल जाते हैं जब ऐश्वर्य में आ जाते हैं। और प्राय बताया जाता है कि जो विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त हैं, वो बेचारे थोड़े इतने ऐश्वर्य उनके पास नहीं रहता है। शिव जी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं लेकिन वो अपने धाम में एकदम विरक्त महात्माओं की तरह, ना घर बार है, ना कुछ है, ना झोपड़ी है, कुछ भी नहीं, और कैलाश धाम में वो पेड़ के नीचे रहते हैं और उन्होंने अपने लिए कोई ऐश्वर्य का निर्माण नहीं किया हुआ है, वो वहां पे एकदम विरक्त महात्मा की तरह रहते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके जो भक्त हैं वो पूर्ण ऐश्वर्य में यहाँ पे देखे जाते हैं भौतिक संसार में। उसी तरह से जब जो विष्णु के भक्त हैं उनकी प्राय यहाँ ज्यादा इतनी ऐश्वर्यमय उनको ऐश्वर्य इतना प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं, जो विष्णु हैं, वो
परम ऐश्वर्यशाली हैं और वो अपने ऐश्वर्य धाम में रहते हैं। तो यही एक मूड है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो उनसे ऐश्वर्य प्राप्त करके फिर उनको ही भूल जाते हैं और माया में रत रहते हैं, और जो विष्णु के भक्त हैं वो भगवान विष्णु को भज के और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं, इसलिए वो कभी भी उनसे ऐश्वर्य नहीं मांगते। और अगर थोड़ा बहुत ऐश्वर्य कभी किसी के पास आ जाता है तो भगवान कृष्ण उनसे छीन भी लेते हैं और उनको हमेशा ही इस बात का अनुभव कराते हैं कि ये भौतिक जगत, ये जड़ जगत है, हमारा रहने का स्थान नहीं है, हमारा स्थान वास्तविक स्थान है वो भगवान कृष्ण का धर जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम है, वो हमारा वास्तविक जो गंतव्य स्थान है, तो हमें वहां जाने के लिए इस भौतिक जगत जड़ जगत का मोह त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए उस चीज को रियलाइज कराने के लिए ये एक विशेष अंतर है, प्राय हम सब देखते हैं भौतिक संसार में। तो जो शिव जी के भक्त हैं उनसे भक्ति नहीं मांगते कभी भी, वो उनसे धन लाभ ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए हमेशा लालय रहते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वो उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, और ये ही शिव जी भी चाहते हैं कि सभी लोग उनसे वो मांगे। लेकिन अभी शिव जी इतने आशुतोष है, इतने दयामय है कि कोई भौतिक संसार का व्यक्ति आके उनसे कुछ मांग भी लेता है तो वो प्रदान भी कर देते हैं इजीली। और जैसे बताया जाता है कि जिन जिन लोगों को सभी सभी के लिए अंत्यज हैं भूत पिशाच आदि गणों, उनके उनके उद्धार का जो कार्य है वो शिव जी ने किया हुआ है और उनके उद्धार में लगे हैं, इसलिए वो हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं और उनके गण बताए गए हैं कि भूत पिशाच आदि उनके गण हैं और शिव जी उनका उद्धार करने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इन 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 लोगों के पास तो कोई भी नहीं आएगा इनका उद्धार करने के लिए, तो मैं ही उनका उद्धार कर लेता हूँ। तो इसी विनम्र भाव से वो उनका उद्धार करने में लगे हुए हैं। और जैसे भौतिक संसार में देखा जाता है, कल शिवरात्रि यहाँ पे मनाई गई थी लोकल मंदिरों में, तो देखा जाता है तो लोग भांग गांजा चरस आदि का सेवन करते हैं शिव जी के प्रसाद के रूप में, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, इवन शिव पुराण में भी वर्णन नहीं है कि शिव जी ने कभी गांजा पिया था या चरस पिया था या भांग की थी। और हालांकि उन्होंने तो हलाल विष पिया था, लेकिन उनका कोई भी फॉलोअर हलाल विष को पीने के लिए तैयार नहीं है, वो तो सिर्फ अपने सेंस अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसा बताते हैं कि शिव जी का प्रसाद है भांग पीनी चाहिए। तो ये सब भ्रांत धारणा है। शिव जी को मदमस्त बताया गया, वो हमेशा एक नशे में रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि अवधूत वेश में वो नशे में रहते हैं, तो उनके नशे का जो कारण है ना, उनको हरिनाम रूपी जो नशा चढ़ा हुआ है और भगवान के नाम कीर्तन में वो इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि वो किसी नशे के व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं समाज संसार में। तो इसीलिए जो लोग हैं उनके इस विशेष चरित्र को न समझते हुए बताते ना, इसलिए कि शिव जी में बहुत सारा विरोधाभास देखने को मिलता है। तो वास्तविकता में जो शिव जी जो मत है वो भगवान कृष्ण के नाम में मत है, और उसको भगवान के नाम कीर्तन में मत होने के कारण वो बाहरी रूप ऐसा दिखाते हैं, लेकिन संसार के जो जीव है वो सोचते हैं कि इन्होंने नशा किया हुआ है इसलिए वो मत है, तो हम भी शिव जी के फॉलोअर हैं तो हम भी शिव जी की तरह नशा करते हैं और मत रहते हैं, और इस तरह की भ्रांत धारणाएं हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो शिव जी बताते हैं, वर्णन आता है कि शिव जी जो भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ जो प्रसाद है उन्हीं को ही वो ग्रहण करते हैं। तो वेदों में ऐसा विधान है कि अगर हमें भगवान शंकर को कुछ भोग लगाना है तो हमें पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करना है और उन्हीं का ही प्रसाद फिर बाद में शिव जी को प्राप्त कराना अर्पण करना है, तभी शिव जी उसको ग्रहण करते हैं। तो आजकल तथाकथित संसार में जो भगवान शिव को अर्पित करके जो जो पदार्थ खाए जाते हैं या जो विषयों का पान किया जाता है भांग है, वो कभी भी शिव जी स्वीकार नहीं करते, वो तो ऐसे ही उन्होंने अपने मनगढ़ंत बातों से बता दिया है कि ये भांग है सबको पीनी चाहिए, शिव जी का प्रसाद है, आज तो शिवरात्रि है, और कितना घोर ये पाप आचरण हो रहा है संसार में कि जो पूर्ण सतोगुण में स्थित है वैसे शिव जी बाहरी रूप में लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि वो तमोगुण में स्थित हैं और उन्होंने तमोगुण धारण किया, लेकिन वास्तविकता में वो सतोगुण में स्थित हैं। वैसे शिव जी का जो विशेष दिन है शिवरात्रि के दिन, उसी दिन लोग पाप आचरण करते हैं और नशे आदि का सेवन करते हैं और उन्हीं का प्रसाद मान के लोग ग्रहण करते हैं, तो ये वास्तविकता में अच्छी बात नहीं है। तो एज ए वैष्णव हम सब लोगों को शिवरात्रि के आज विशेष दिन हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी के चरणों में कि वो हमें इस भगवत भक्ति को प्रदान करें और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से वो वैष्णवानाम यथासंभव, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उन्हीं की उनकी अगर हमारे पर कृपा रही और उनको आशुतोष भी बताया जाता है, तो अगर उनकी कृपा से अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा विशेष लाभ प्राप्त होगा, तो आज के दिन यही प्रार्थना हम शंकर भगवान के चरणों में करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत जो शिव तत्व हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं अलग अलग जगहों पे, तो इन्हीं की चर्चा हमने की है। तो आज के लिए इतना ही।
किन्हीं भक्त के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है तो। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से शिव तत्व का एक्सप्लेन किया है, बहुत आनंद आया। प्रभु जी किसी भक्त को प्रश्न है तो प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रज्ञा माता जी आपको म्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी जैसे कि सारी देवी देवता और इवन ब्रह्मा जी का भी एक पोजीशन है जो टाइम बेसिस पे चेंज होते जाता है, तो जैसे शिव जी का भी पोजीशन है क्या, या वो फिक्स है, वो वही है? नहीं महाराज, जैसे जो ब्रह्मा जी वो जीव तत्व में आते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है बिना डिविएट हुए, तो उसको ब्रह्मा का पद प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी का जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है कि उस पोस्ट पे विराजमान व्यक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो नरेंद्र मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। कल को वो नहीं रहेंगे, दूसरे व्यक्ति बैठेंगे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। तो उसी तरह से जो ब्रह्मा जी का जो पद है, जो जीव तत्व में आते हैं, उन्होंने अपने जीवन में 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जीवन जीता है जो कोई व्यक्ति, तो उसको ब्रह्मा के पद पर बिठाया जाता है। लेकिन जो शिव जी का जो तत्व है वो जीव तत्व में नहीं आता, या वो कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है कि कल को आज शिव जी बैठे हैं, कल वो उतर जाएंगे और दूसरे शिव उनकी जगह पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो भगवान का ही एक स्वरूप है, जैसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि दूध में से दही बनता है, उसी तरह भगवान का ही एक स्वरूप है, विशेष गुण लेके वो अवतरित हुए हैं, तो उनका कोई पोजीशन नहीं है, वो स्वयं में ही, इसलिए उनको सदाशिव बोला जाता है। वो नित्य प्रतिनित्य अपने स्थान पर रहते हैं। देखिए वो चार्ट में भी हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो इस भौतिक ब्रह्मांड में है, ब्रह्म लोक है वो भी इस भौतिक ब्रह्मांड में, लेकिन जो शिव जी का लोक है वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश लोक है, वहां पे शिव जी नित्य प्रतिनित्य विराजमान रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लेगा तो उसको शिव जी का पोजीशन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। शिव जी मतलब उनको एक तरह से भगवान ही बताया गया है, भगवान का ही एक स्वरूप है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है क्योंकि ब्रह्मा जी का एक पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि आपने भी बताया प्रभु जी कि शिव जी हम लोग को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जैसे प्रकृति के अंदर हम लोग गर्भदान हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी प्रोड्यूसर हैं और शिव जी तो डिस्ट्रॉयर हैं, तो फिर ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई प्रभु जी। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो ब्रह्मा जी है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, और प्राय लोग ऐसा समझते हैं कि जो विष्णु भगवान है, नारायण है, वो प्राइमरी क्रिएटर है, भगवान कृष्ण प्राइमरी क्रिएटर है। ठीक है, ब्रह्मा जी वो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो ब्रह्मा जी इस भौतिक ब्रह्मांड में आने के बाद उनको भगवान ये सुविधा प्रदान, ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी क्रिएटर है वो प्राइमरी क्रिएटर है, वो भगवान कृष्ण है और भगवान नारायण है। वही कृष्ण वही नारायण अपना एक विशेष स्वरूप प्रकट करते हैं सदाशिव के रूप में, और फिर वो प्रकृति के साथ उनका जो दृष्टिपात करने के बाद ऑलरेडी पहले प्राइमरी क्रिएशन हो जाता है, और उसके बाद जीवों को अपनी इच्छा के या पूर्व कर्मों के आधार पर ब्रह्मा जी के द्वारा सेकेंडरी क्रिएशन किया जाता है और उनको नाना प्रकार की योनियां प्रदान की जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो ब्रह्मांड में आने के बाद ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन पूरे भौतिक जगत का जो निर्माण है, अब देखिए वो जो चार्ट है उसमें दिख रहा है कि एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, तो ये सारे ब्रह्मांडों का जो समूह है ना उसको भौतिक जगत बोलते हैं। तो ये भौतिक जगत के जो क्रिएटर है ना वो सदाशिव है, वो नारायण और भगवान कृष्ण अपना एक विशेष स्वरूप धारण करके सदाशिव के रूप में उस भौतिक ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, और फिर उस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो सेकेंडरी क्रिएशन आता है उस ब्रह्मांड के अंदर, अब हम जैसे हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, कई सारे जीव दूसरे ब्रह्मांड में रह रहे हैं, तो उन ब्रह्मांड के जीवों को फिर बाद में नाना प्रकार की योनियां जो प्रदान की जाती है वो ब्रह्मा जी के द्वारा दी जाती है, इसलिए उनको उनको भी क्रिएटर बताया गया है, लेकिन उस ब्रह्मांड के संदर्भ में ही उनको क्रिएटर बताया गया है, वो भौतिक जगत का निर्माण नहीं करते हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए उनको सेकेंडरी क्रिएटर बताते हैं और जो प्राइमरी क्रिएटर है वो सदाशिव। जी थैंक यू प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच।
जी एक और क्वेश्चन है कि महाराज जी ने बोला है कि कभी भी हमको शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर वो तो वैष्णव है तो उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने में क्यों? इसमें ऐसा विधान है कि जो तथाकथित शिव मंदिरों में जो प्रसाद मतलब शिव जी को भोग लगा के फिर जो दिया जाता है, पुराणों में वर्णन है कि शिव जी खुद ऐसा घोषित करते हैं कि जो मेरा उच्चिष्ट खाता है वो पाप खाता है, तो इसलिए हालांकि वो उसको ग्रहण भी नहीं करते हैं क्योंकि शिव जी का ये प्रण है कि जो 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 भोग भगवान कृष्ण को अर्पण किया जाता है और उसको प्रसाद में रूप में ही शिव जी ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली शिव जी को जाके ऑफर करके आपको दे रहा है कि बोले शिव जी का प्रसाद है, इसलिए उस संदर्भ में महाराज जी बताते हैं कि हमें कभी भी वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शिव जी जो चाहते हैं उनका मनोविष्ट है कि भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ जो चीज उनको प्रदान किया जाता है और फिर उनका जो रेमिनेंस है वो अगर व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसमें कोई मतलब वो अपराध नहीं है। लेकिन आजकल तथाकथित मंदिरों में ऐसा कोई मान्यता नहीं है, जो शिव के फॉलोअर है वो ऐसा नहीं मानते हैं क्योंकि वो शंकर भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इसके कारण से वो कभी ऐसा इच्छा नहीं करेंगे कि पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाए फिर शिव जी को भोग लगाया जाए, फिर उसमें उनका मतलब उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, तो इसी कारण से वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, वो सीधा शंकर जी को भोग लगाते हैं। और अब शंकर जी ने ग्रहण किया नहीं किया वो तो शास्त्रों में उन्होंने बताया हुआ है, अब यहाँ पे तो शंकर जी प्रकट होकर बताने नहीं आते कि मैं नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, क्यों दे रहे हो मेरे को, ठीक है। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें ये ज्ञात है और जो महाराज जी बताते हैं उसका मेन रीजन यही है कि भाई शिव जी को कोई व्यक्ति ऑफर कर देगा फिर आपको बोलेगा बाहर लाके ये प्रसाद ले लीजिए, तो कृपया ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कभी कभार ऐसा ग्रहण करने के लिए अगर बाय फोर्स किया जाता है, कभी ऐसा हम ऐसी सभा में बैठे हैं ऐसा कुछ है, तो हमें हृदय के अंदर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मैं भगवान शिव जी से ऐसी अनुमति मांगनी चाहिए कि वास्तविकता में आप इसको भगवान कृष्ण के प्रसाद रूप में पहले ग्रहण करें और उसके बाद फिर मैं आपका रेमिनेंट जो है उन्हें ग्रहण कर सकता हूँ, तो ये मतलब विधान है ऐसा। जी थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा कोटि दंडवत। हरे कृष्णा माताजी। दीपिका माताजी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कल शिवरात्रि थी फिर हमने फास्ट रखा हुआ था, तो मेरी बेटी है वो पूछ रही थी मम्मी जैसे हमारे में तो कुछ फेस्टिवल होता है तो ऐन अच्छा भोजन बनता है, तो इसमें जैसे शिवरात्रि होती है जन्माष्टमी होती है तो इसमें व्रत क्यों रख लेते हैं, ये क्या कारण है प्रभु जी? किसी भी जो फेस्टिवल आते हैं वो फेस्टिवल होते हैं, जैसे जन्माष्टमी है तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव मतलब जो उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं, या गौर पूर्णिमा आती है तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म, तो विशेष रूप से उस दिन फास्टिंग रखने का यही कारण है कि बाकी समय तो हम खाना पीना सोने में व्यस्त कर अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उस दिन विशेष रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि देखिए भगवान इस भौतिक संसार में मैं आया हूं और आपका आज प्राकट्य दिवस है तो मैं इन सब भोगों को त्याग के दिन भर आपके नाम कीर्तन में लगा रहूंगा, आपके स्मरण कीर्तन में आपकी कथा सुनने में लगा रहूंगा, और इस तरह से मैं पूरा जीवन जो है मतलब पूरा दिन है वो आप ही के ही याद में गुजारता हूँ और नित्य प्रतिनित्य आपका स्मरण बना रहता है। तो यही एक भाव है भक्त का कि वो अपने द्वारा किए जाने वाले जो भोग हैं बाकी के दिनों में उन भोगों को त्याग करके और उस दिन विशेष उपवास करके और भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करता है, अधिक से अधिक उनकी कथा श्रवण करता है, अधिक से अधिक उनकी सेवा करने की कोशिश करता है, इस तरह से वो भगवान को प्रसन्न करते हैं क्योंकि उस दिन भगवान विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं, तो वो हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर हमें हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो यही कारण है कि जब ऐसे जैसे शिवरात्रि है तो उसके संदर्भ में कई सारे मत हैं, वो लोग बोलते हैं कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे, लोग बोलते हैं कि उस दिन शिव जी नहीं लीला की थी, लेकिन जो प्राय सबके सबके द्वारा जो मान्यता प्राप्त मत है उसमें ऐसा है कि उस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, तो शिव जी के दिन बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी जितने भी लिंग है उनमें प्रविष्ट होते हैं और उस दिन उन लिंगों की जो सेवा पूजा करते हैं भगवान शिव की उनके ऊपर वो थोड़ी बहुत कृपा बरसाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एज ए वैष्णव हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन शिव जी वहां पे मौजूद रहते हैं तो हम भी इस अवसर का लाभ लेके शिव मंदिर में जाएं और उनसे कृपा याचना करें कि भगवान आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति का दान करें या दान दे या हमें भगवान कृष्ण भक्ति में सहयोग करें, ऐसी परिस्थिति हमें निर्माण हो और ऐसा भाव हम रखें, अगर उनसे मांगते हैं तो निश्चित रूप से मिलता है।
तो इसलिए उपवास भी उसी ट्रेडिशन में किया जाता है कि जिसमें उनको प्रसन्न करने के लिए हम उपवास वगैरह करते हैं, इस दिन हम अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते हैं। और जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं निर्जल या पानी के साथ, वो लोग थोड़ा बहुत फल आदि वगैरह लेते हैं और इस तरह से हम उपवास को फॉलो करते हैं। और विशेष प्रयोजन यही है कि उपवास किया जाए और उपवास के साथ साथ हमें उनका उस दिन उनका विशेष गुणगान करना चाहिए, उनका कथा श्रवण करना चाहिए और उनका नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया। हरे कृष्ण, यस धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सब भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी का टीम और जोर से हरि बोल बोलते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरिया हरि बोल।